अक्षत आपको रिसीव मिल गई? कौन फी जमा हुई आपको रिसीव मिल गई? नहीं तो फी जमा हो गई ना आपकी? तो पापा तो पापा को मिल गई। आपको ये बताया गया है दैट इज प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अगर आपको कोई नंबर है डेसिमल में है और उसको नंबर लाइन में एक्सप्रेस करना है तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? इट इज बाई प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। जरा इसे देखें कि एग्जाम्पल 11, तो एग्जाम्पल 11 में आपको 5 डेसिमल प्लेसेस तक, जैसे 5.37 बार है तो 5 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। इसके 5 डेसिमल प्लेसेस क्या क्या हो गए? 5.37777 कितना दिखाना है? तो सबसे पहले आप स्केल लो और स्केल लेने के बाद 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। 10 सेंटीमीटर छोटा लगता है तो 3 तो नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर ले लो। तो आप सबसे पहले एक स्केल लीजिए और उसमें ठीक है उसको ड्रॉ कर लें। दो और 1 सेंटीमीटर बॉक्स ले जाओ और किसी को कुछ चाहिए होगा तो देना। तो दैट इज कितना है? 5 है तो 5 किसके किसके बीच में आएगा बताओ? 5.3 किसके बीच में आएगा? 5.3 5 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
1 सेंटीमीटर का गैप हो। तो अब ये क्या हो जाएगा, 5.1 हो जाएगा क्या, 5.3, 5.4, 5.5, 1 सेंटीमीटर के अंतर पर लिखा, ठीक है, फिर 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6। अच्छा दोनों तरफ एरो लगाइए, तो ये बताइए 5.37 कहाँ आएगा, क्या इन दोनों के बीच में आएगा, 5.3 से आगे आएगा और 5.4 से पहले आएगा कि नहीं, तो पहला काम है 5 to 6 तक आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, और फिर ऐसे करो। अच्छा 5.37 के बीच में 10 पॉइंट्स बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 बनाओ, ठीक है। ये देखो इधर देखिए 5.37 बनाना है ना, तो इसको ऐसे बना लो, और फिर इसके बाद यहाँ पर आप क्या करें, एक ऐसे हैंड ग्लास होता है जिससे आप किसी चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिससे आप क्या करते हो चीजों को मैग्नीफाई करके देखते हो, सो दैट इज ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास का साइन बनाओ, ठीक है, जैसे ये देखो किसी चीज को अगर आपको मैग्नीफाई करके देखना है तो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, क्या इससे कोई चीज मैग्नीफाई हो रही है, है ना, तो ऐसा ही साइन बनाया गया, दिस इज मैग्नीफाइंग ग्लास, देखो इसको क्या बताएं, इस आईडिया जो कॉपी में लिखा है,
सो सच काइंड ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास आपको बनाना है. अब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया तो हम इसको बढ़ा करके देख सकते हैं. तो बनाने से थोड़ी बात है, ऐसे रूप में भी बना हुआ है. तो अब यही तो 5.37 आया कहीं. तो इसके बाद फिर से एक लाइन दो. तो बनाया आपने पहली लाइन. हाँ सुनो, सही कर रहे हैं. अब हमें 5.37 दिखाना है. तो कहाँ दिखाएं? क्या वो इनके बीच आएगा 3.77? तो इसके बीच में 10 पार्टीशन करो. कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये मैनुअली कर दो हाथ से. ऐसे ऐसे 1 mm पे, ठीक है? इसको ऐसे ही मैनुअली कर दो. तो ये चीज इसी के बीच तो आएगी 5.377. अब यहाँ पर ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाओ. मैग्नीफाइंग ग्लास पूरा कवर करना चाहिए इसको. मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया. इसके बाद फिर एक लाइन ले और इस मैग्नीफाइंग ग्लास को ये दिखाओ कि मैंने पूरा यहाँ से आकर कवर कर लिया है. मैं इसे फोकस करके देख रहा हूँ. तो यहाँ लिखे 5.37. तो यहाँ क्या होगा? 5.37. अब इसको इसके भी अंदर जाके यहाँ तक जाना है. चार बार 7 है. अगर इंफिनाइट बाय 7 है तो जितनी बार भी वो 5.3 बार लगा हुआ है 7 पे तो उन्होंने कहा है ना 5 डेसिमल प्लेस. तो 5 डेसिमल प्लेस तक 5.376 5.376 5.378 3.79. अब इसके बाद सौम्य क्या आएगा? सर कहाँ पे 5.38. हाँ, क्योंकि 5.37 ही है 5.38 ही है. हाँ, ये आएगा कि नहीं? 5.38. अच्छा, ये जो चीज है ये कहाँ आने वाली है? किस किस के बीच में? बोलो अक्षय. सर ये भी 1 सेंटीमीटर के लेने हैं. नहीं, इसमें कहाँ कहाँ के बीच आएगी? 5.37 से 5.378 के बीच में. 5.376 के बाद आएगी. यस.
क्यों 377 की बात क्यों नहीं आई? तो उससे बड़ी है ना, यहाँ से यहाँ तक आएगी ना, 377 के ऊपर आएगी या नहीं? तो इसलिए सर वो वाले जो नीचे 5.3712 ये सारे भी 11 सेंटीमीटर के क्या? सब 11 सेंटीमीटर के क्या? अब इसके बाद इस पर मैग्नीफाइंग ग्लास बनाओ। कितना एक्सटेंड करना? 5 डेसिबल यहाँ तक, 5 डेसिबल तक। ये चीज यहाँ कर दो, अब मेरे में तो यहाँ खत्म हो गया, तो मैं दूसरी तरफ बना रहा हूँ, आपके में है तो वहीं बना। चलो तो 5.377 और 5. अब अगला क्या लिखे निखिल? 3771 क्यों नहीं सर? 3771 है ना, एक एक करके बढ़ाओगे। 378 तो सबसे लास्ट है, यही लिख दोगे तब तो यही 80 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। तो 5.3775 5.3776 5.3776 5.3778 5.3779 और जाहिर यहाँ क्या आएगा? 5.3779 तेजी से बोलो थोड़ा। 5.3779 5.3779 तो क्या बोल रहे हैं? एक चीज कोई बोलो, बोलो थ्रू। 5.3780 क्योंकि वहाँ 378 है। हाँ। तो क्या आ जाएगा? 3780 क्या जीरो छोड़ो। अच्छा अब हमें क्या 17 और चाहिए? 377 तक तो है, अब नहीं बनाना है। अब इसी में सावधानी से 1 2 3 4 5 6 7 क्या यही वो 7th पॉइंट है? 8 9 10 बोलो 7th पॉइंट आ गया ना, काम करो। 1 2 3 4 5 6 7 आ गया नहीं? सर अब क्यों नहीं बनाना है? इसलिए 1 2 3 4 5 5 तक तो यही हो गया। हाँ। अब फिर 6 और 7 तो यहीं पर बस लिख देना है, लोकेट कर दो। 5.37777 lies here। बात समझ आई? और हर एक लाइन में दोनों तरफ एरो बनाओ। मैंने नहीं बना रहे हैं लेकिन आपको बनाने हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपके नंबर कट जाएंगे ऐसे। ठीक सर, 5 टाइम समय लाइक निकाल। अगर आपको 5 डेसिमल प्लेस करना है तो 4 लाइन खींचनी है। हम ऐसे ये बहुत छोटा लग रहा है तो फिर क्या?
सर अगर ये बहुत छोटा लग रहा है तो जब आप टेस्ट करोगे अगर इस चीज का लोगे कभी टेस्ट तो फिर करना सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर ये बहुत छोटा छोटा लग रहा है तो 20 सेंटीमीटर की लाइन बना के एक को आ जाएगा सर आराम से 20 सेंटीमीटर आराम से आ जाएगा आप ये विजुअलाइज करो 3.765 ये खुद बनाओ 3.765 ऑन रियल नंबर लाइन थ्री डेसिमल प्लेस है तो कितने बनाने पड़ेंगे 2 आपके शुरू के क्वेश्चंस में ये किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इसको ऐसे कर लो अपने कॉपी में एक छोटा सा बना के ऐसे कर लो तो ये आपकी एक्चुअल लाइन हो गई और एक्चुअल लाइन के आगे फिर ऐसे करो एक और बना मतलब ये तो 1 2 3 4 आपके स्केल में होता है ना हाँ। तो ये बना के ये दिखा दो कि ये जो चीजें है 5 और 6 के बीच सिलाई करेंगे हाँ। के बाद फिर वो नॉर्मल सारे में डालेंगे हां करो और इसको पैनल में मान रखो उसी में दिखाओ बनाया ना एक बार एक और वन वन में नहीं है जरूरी है मान लो हमने एक लाइन खींच ली है बनाया ना इससे पहले ये बना ठीक है अब अगली लाइन बनाओ तो क्या बनाओ कि 1 2 3 वो लोगे समझ गए ना मतलब कुछ तो कि इसके वन वन कर सकते हो लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठीक होना चाहिए इंचर समझ ना पाए ऐसा ना हो कि कुछ छोटे हो कुछ बड़े हो मतलब उनको आप डिसीव कर सको धोखा दे सको तब तक चलेगा और अगर डिसीव नहीं कर पाओगे तो फिर लोग निकल जाएंगे इसको कैसे बनाओगे सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है तो बोलो ये 3.7 कहाँ लाइक करेगा तू 3 और 4 के बीच में लाइक करेगा तो इसी में 10 बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास बना लो और फिर नेक्स्ट लाइन में 10 डिविजन्स करो तो दिस इज 3 एरो बनाते रहना थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री
3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो गया। बिल्कुल वही चीज बनानी थी 3 और 4। अगर पिता अगला कहाँ लाई करेगा? अब किसके बीच में दिखाएं? सर 7 और 8 के बीच में 3.7 और 3.8। सही है। 3.7, 6 तो कौन सा वाला? 1 ये। अच्छा हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो इसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाएं। एक लाइन लेने, लाइन लेने पर 3.7, 3.71, 3.72, 3.73। अगर मान लो स्पेस की कमी पड़ती है तो ज्यादा कंजेस्टेड मत करो, एक नीचे को ऊपर दिखाओ, एक नीचे को, है ना? 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ध्यान से आएगा। अब मुझे ये बताइए कि ये नंबर कहाँ लाई करेगा, मैं किसके किसके बीच दिखाऊं? 3.77 से इसके बीच में ये नंबर लाई करेगा, आपको ऐसा लगता है? नंबर की तो देखो, है ना? 3.76 से बड़ा है ना, वो यहाँ आएगा कि नहीं? इसलिए यहाँ पर डिवीजन बनाओ। अब आपको आगे नंबर लाइन ही बनानी है, इसी में 5 तक जाओ, है कि नहीं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 फिर से क्या लिख दो? 3.765 lies here, lies here। और ये मैग्नीफाइंग ग्लास पूरा दिखा दो। इसके बाद 4.26 को 4 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है, सेकंड क्वेश्चन। तो 4.26 बार है तो इसको शो करोगे, शो 4.2626 इतना दिखाओ, ऑन नंबर है, 4 डेसिमल प्लेस हो गया ना। मैं इसको खुद करो, देखें कैसे करते हैं। उन्होंने फीस यहाँ आके जमा की कि उसमें की है ऑनलाइन?
इसमें यहाँ पर कॉर्नर ना हो, एक इधर से ऐसे बुक में को दो फोन। तो कौन सा क्वेश्चन है नंबर कौन सा है? अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज। हाँ ये अक्षित के पापा ने कैश फी दी थी तो उसका रिसीट बना है क्या? ले गया अच्छा अच्छा। सीट ले गया ना, हमें दिखी नहीं इसमें। ओके ओके, वो पापा को दे दिया था। चार तो बनानी पड़ेगी पहले, जीरो वन टू थ्री फोर करोगे तो अच्छा। हाँ, चार लाइन बनी है। चलो आपको बेटा एक कोई आगे पीछे होगा। आप करो, हम सब देख लेंगे। कर लो एक बार फिर देख लो। सर इससे पहले वाले देख के बता दीजिए। आप बेटा कर लो, हम सब देख लेंगे। बैठ जाओ आराम से बैठ के। चलो सो वी नो दैट देयर आर रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो मुझे ये बताइए कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। मान लीजिए मैं 2/3 और प्लस 4/3 को ऐड करूं तो भी क्या रेशनल नंबर ही आएगा? क्योंकि जो भी चीज आएगा वो p / q के फॉर्म में आएगा, तो वो चीज क्या आ जाएगी? रेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर
माइनस रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर डी रेशनल नंबर होगा। और इसी को ही अगर मैं ले लूं 2/3 माइनस 4/3 इज रेशनल नंबर। जरूरी नहीं है ना रेशनल नंबर माइनस, अगर 4/3 माइनस 4/3 हुआ तो जीरो वो भी रेशनल नंबर है। अच्छा जीरो को वन नहीं करते हैं आप, रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर अगर इनका प्रोडक्ट कर दिया जाए तो भी रेशनल ही आएगा, रेशनल नंबर। एंड अगर डिवीजन कर दो तो क्या होगा? रेशनल नंबर माइनस डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। ये चीज हो गई। तो अब देखो कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बस जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 4/5 है और डिवाइड बाय जीरो नहीं करना है कभी, क्योंकि नहीं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और मैं अगर इसे 3/4 करूँ तो मैं क्या लिखूँ? क्या 4/5 इंटू करके बाद वाली चीज पलट जाती है? है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 16/15। क्या ये रेशनल नंबर है? तो रेशनल की तो प्रॉपर्टी आपने सब जान ली। अब ये मुझे बताइए कि इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? वन प्लस इरेशनल नंबर। साक्षी बताओ। जैसे कि साक्षी ने बताया, क्योंकि साक्षी के मन में ये बात जरूर आई होगी कि अगर मैं इससे इसको प्लस करूंगी तो जीरो आ जाएगा, तभी तो उन्होंने रेशनल बना बताया। और वहीं पर अर्पिता के मन में ये बात आई होगी कि √2 + √2 दैट इज 2√2, तो ये आया रेशनल और ये क्या आ गया? इरेशनल। तो इसे तो √2 के फॉर्म में नहीं किया जा सकता, इसमें √2 है, 2 × √2। देखो 2 है और √2 क्या होता है बताओ? 1.414 + 9.2 = 8 + 5 = 6 ऐसे घूम, ऐसे तो घूम नहीं रही है चीजें, इन्हें मालूम है तभी तो ठहर रही है। आप क्या सोच रहे हो कि इन्हें नहीं मालूम है इसलिए ये इस तरीके से घूम घाम रही है? इनके मन में ये बात इन्होंने देख लिया था, ये बोर्ड कि रेशनल प्लस रेशनल क्या होगा? देखो इन्होंने बताया रेशनल और इरेशनल, क्योंकि बोर्ड देखा, ये कोई डंब बच्चा नहीं है, दोनों बताया कि नहीं इन्होंने? तो क्या बताया इन्होंने? रेशनल और इरेशनल। क्योंकि एक एग्जांपल हमने ये दिया कि दोनों को जोड़ने से रेशनल आया, और एक ऐसा भी दिया कि इरेशनल। तो बोलो जाहिद, रेशनल प्लस इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? अच्छा इरेशनल प्लस इरेशनल, मुझे रेशनल अपनी तरफ से तो बताओ। अच्छा ये बताओ इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, इरेशनल माइनस इरेशनल नंबर वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए 3√2 में से 2√2 माइनस किया, बताओ अक्षय क्या होगा? इरेशनल। क्या आंसर आएगा? इरेशनल। आंसर तो बता दो निखिल। चलो कोई बात नहीं, रूट टू कॉमन ले लिया तो अंदर क्या 3 − 2 आया? हाँ, तो क्या √2 × 1? तो 3 जलेबी में से 2 जलेबी खा ली तो कितनी जलेबी बची? जलेबी। तो 1√2 बचा कि नहीं? तो दिस इज √2। तो फिर वो तो इरेशनल ही हो गया। इरेशनल हुआ, लेकिन क्या ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि रेशनल आ जाए? बोलो अर्पिता। इरेशनल बोलो कैसे? तो अगर हम लोग इसको ऐसा ले लें कि
ये भी सही है कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि 3√2 − 3√2 तब क्या आ जाएगा, तब तो रेशनल आ जाएगा, तो फिर आंसर क्या हुआ, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। तो इसकी अलजेब्रा क्या कहती है, इरेशनल नंबर की अलजेब्रा, दिस इज अलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर। अलजेब्रा ऑफ रेशनल नंबर है। ये चीज हो गई, लेकिन मुझे तीसरी बात चाहिए कि क्या इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर क्या होगा साक्षी? ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा, वही किया था, देखो मैंने वही किया था। क्या वो रूट फोर होगा? टू इंटू टू देखा, तो वो टू हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अच्छा उस पे मत करो, वो हमें मिटाना पड़ता है, रबर से बात है, ठीक है कि नहीं? आप देखो कागज दे लो, यहाँ पड़े हैं बहुत सारे, करना ही है, अभी तो कॉपी है ही तुम्हारे पास। अब देखो इतना बड़ा कागज, चलो इरेशनल इंटू इरेशनल क्या हुआ, रेशनल भी हो सकता है और ऐसा हो, मान लो रूट थ्री प्लस इनटू रूट टू, बोलो क्या होगा, क्योंकि रूट सिक्स होगा, इसे तो नहीं आप खोल सकते हो, तो इसका आंसर क्या हुआ, रेशनल और इरेशनल, सभी में यही आएगा, और रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है, कैसे होगा एग्जांपल बताओ सर, रूट एट रूट बोलो ये सही बता रही है, अगर रूट थ्री, यही निखिल भी बता रहा था, यही तो वो भी कह रहा, और ये बताओ इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल बताओ कोई, जिससे इरेशनल आए, रूट थ्री और रूट फोर, हाँ ये बहुत अच्छा बताया इन्होंने, कहा रूट थ्री लेना और रूट फोर मत लेना, बहुत बड़ी बात है, कह रहे रूट फोर तो टू होता है, वो तो रेशनल होता है, क्यों निखिल ने कहा कि रूट फोर मत लेना, क्योंकि रूट फोर इनको मालूम है कि रूट फोर क्या होता है, बोलो जहाँ मल्टीप्लाई किया था रूट फोर टू, तो मतलब ये बहुत सावधानी से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए इनकी बात, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, क्या रूट थ्री बाई टू जो कि इरेशनल है, तो इस तरीके से हमने देखा रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल, इसको नोट किया, जिस पर हमारे क्वेश्चन होंगे। अब होने वाली है 1.5 होगी। हाँ सर, वो तो मतलब नहीं सर, शुरू भी नहीं किया, तो मत करो अभी तक, फिर क्या कर रही थी, पेपर इधर उधर टहल रही थी, नहीं अब बताओ, इसी की और अलजेब्रा कंटिन्यू है, इरेशनल प्लस रेशनल साक्षी, सर मैं बताऊं, प्लस रेशनल, हाँ बोलो सर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमेशा सर, जैसे रूट थ्री और प्लस टू इरेशनल ही आएगा, और वो तो कुछ तो नहीं आ सकता, क्योंकि पहली बात है रूट थ्री की वैल्यू वो पूरी, वो उसमें टू जोड़ दिया डिफाइन नहीं है, तो भी कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, उसमें आप टू जोड़ दोगे तो क्या होगा, अच्छा जीरो भी जोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा इरेशनल जी का, तो ये फिफ्थ पॉइंट है, और सिक्स्थ इरेशनल माइनस रेशनल, ये इरेशनल होगा,
और इनको आपस में कंक्लूड भी नहीं किया जा सकता, इसको ऐसे ही निकाल जाएगा। हाँ। इसको कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, जोड़ घटा सकते ही नहीं। डेफिनेटली इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, इन्होंने कैसे जान लिया? जीरो से इनटू कर देंगे तो फिर एक तो रूट थ्री और इनटू जीरो, मतलब दोनों आ सकता है। तो ये जीरो आया, यहाँ से क्या आएगा? टू रूट थ्री, इसके क्या आंसर आएंगे? दोनों रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल। तो यहाँ देखो, लेकिन अच्छा एग्जांपल दिया है। और डिवीजन भी करेंगे तो दोनों तरीके हो सकते हैं। एग्जांपल 12 से नोट करिए हर चीज को। ऐसा कोई है जो ग्रुप में नहीं है बता दिया को, तो फिर आपने इनविटेशन स्वीकार नहीं किया क्या? हमने तो भेजा था। जैसे 225 का आपने रूट 15 बताया था, तो फिर भी मैथ में मैं तो पूरा कर रहा हूं, मतलब कि थोड़ा अब ये होगी, अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यहाँ तो मैं बेसिक बताता हूँ ना। अब देखो मेरे साथ ही से चल मैथ में तो बहुत आता है। ये बताओ 7√5 और 7/√5 इसमें रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है? 2+21 and pi minus 2. Which are rational? ये क्या है? Sir, irrational. Irrational number. अच्छा ये क्या है? Irrational. ये? Irrational. ये? Irrational. Pi क्या होता है? उसके लिए value जो है definite नहीं है, definite नहीं है, दोनों type से अलग अलग आता है, तो उसमें minus 2 कर लो, plus कर लो, क्या ही फर्क है? Pi irrational है कि नहीं? लिख ही नहीं सकते हो क्योंकि नीचे इंटीजर है ही नहीं। सर अगर किसी इरेशनल को डिवाइड करके या इनटू करके रेशनल मतलब में डालना है तो सिर्फ जीरो से ही हो सकता है ना, क्योंकि ऐसे हम किसी से कर नहीं सकते क्योंकि फिर वो नंबर बदल जाएगा। हम परमिटेड नहीं है कोई नंबर को ऐसे चेंज। ऐसे भी हमें इरेशनल की वैल्यू तो पता नहीं है, तो फिर जीरो से ही करेंगे तभी वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल 13 देखो, एड 2+2√2 और +5√3 एंड इनको ऐड करना है। देखो किसको ऐड करना है, एंड लिखा है तो इसको √2 − 3√3 ऐसे ऐड दिस एंड दिस। देख लो क्वेश्चन, देख लो ये शायद ऐसे होगा ना, 2√2 तो 2√2 है। हाँ, पहले सारे ब्रैकेट हटा दो। बोलो ये ब्रैकेट हटाने से कुछ होगा क्या? साइन चेंज तो नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है। प्लस है।
प्लस से साइन नहीं चाहिए होता है, और प्लस 5√3 सिंपली जिसका जो साइन है वो लिखो। अच्छा अब होमोजीनियस टर्म को एक साथ लिखो, 2√2 के साथ √2 लिखो, तो 2√2 के साथ क्या लिख लो बोलो, √2 लिख लिया। पहले हमने इन दोनों को ऐड करना है ना, तो प्लस हटा दिया, प्लस के हटाने से किसी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही इन दोनों को एक साथ लिखो, दो जलेबी और एक जलेबी, देखते कितनी जलेबी होगी। 5√3 और -3√3, 5 समोसे में से 3 समोसे खत्म कर दो समोसे, इसमें बताओ क्या आएगा? नो वो छोड़ो ये 2 है और ये 1 है, इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा? 5 -3. तो अब बताओ ये कितना हुआ? 3. तो 3√2 नहीं हो जाएगा? सर अगर किसी रूट के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 3√2 तो 1 माना जाता है। और ये कितना आएगा? 2. तो क्या आंसर आएगा? 2√3 आएगा कि नहीं आएगा? 2√3 अब आगे देखो, नेक्स्ट इज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लास में भी घूमती रहती हूँ क्या? टीचर मना नहीं करते गौर सर? चलो एग्जांपल 14 देखो, बाकी टीचर्स की तो बोल। चलो मल्टीप्लाई 6√5 ये देखो, मल्टीप्लाई करो 2√5 से। देखो रेशनल को रेशनल से करो कितना आएगा बताओ? 12। और ये बात आपको मालूम है कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है? रूट ए बी, तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 5। तो ये बताओ जो चीज जोड़े में होती है वो रूट के बाहर क्या आ जाती है? अकेले। या ये भी सोच लो कि √5² है, तो रूट को हाफ पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ पावर। तो हाफ पावर लगा दी, अब पावर पर पावर होती है तो क्या मल्टीप्लाई होती है? पावर मतलब इसी रूट को मैंने हाफ किया और पावर पे पावर लगी है। जैसे ये बताओ 2² है और उस पर क्यूब लगा है और उस पर 3 या 4, तो क्या लिखोगे? पावर पर पावर पर पावर, तो क्या ये 2 × 3 × 4 हो जाएगा? तो अब ये पावर लगा दी तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 पर 2 गया तो बोलो कितना आया? 5। तो इसलिए स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं और 5 आ जाता है, तो इससे भी 5 आ गया, तो कितना आ गया? इससे क्या पता चला? इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है? कभी कभी रेशनल भी हो सकता है, रेशनल नहीं आ गया क्या? और ये दोनों इरेशनल नहीं है, तो वो तो उधर भी लिखा है। हाँ, तो अब जरा देखो डिवाइड करना, एग्जांपल 15। √15/√3, तो 8√15 को √3 से डिवाइड करो,
तो रेशनल को रेशनल से कंप्यूट कर दो कितना आएगा। अच्छा तो 4 है और इन सब को रूट में कवर कर लो। बताओ रूट ए अपॉन रूट बी क्या होता है, क्या रूट ए बाई बी। तो अब इसके इसको क्या लिखने बताओ, ऐसे लिखा कि नहीं। तो 3 से 15 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 4 5। ठीक है ओके नहीं है। अच्छा अब जरा देखो ये 8√15 को 2√3 से दिया तो √15/√3 को क्या लिख सकते हैं, क्या √15/3। और अंदर में इससे करके 5 आ गया तो बोलो ये कितना बचा। हाँ हाँ ओके नाउ वी विल सी ये सारी बात हो गई। नाउ एक्सप्रेस क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस √3.4 ऑन नंबर 9 3.5 ऑन नंबर 9। तो उसके लिए एक कंपास ले लो और एक पेंसिल ले लो और मैं आपको बता दूं अगले पेज पे 20 पेज बना हुआ है। सर पहले एक बार एग्जांपल 13 फिर एग्जांपल 13 फिर से 13 में इन दोनों को ऐड करना था। ऐड करने पे प्लस था तो मैंने सिंपली खोल दिया। तो बोलो इसको और इसको एक साथ लिख दिया क्या। हाँ हाँ और इसको और इसको एक साथ लिख दिया रूट टू कॉमन ले लिया। हाँ तो 2+1 बचा रूट 3 लिया तो 5-3 बचा। बताओ 2+1 कितना होता है 3। अगर कॉमन ना निकले कुछ तो। अब हमने तो बताया था 2 समोसा + 1 समोसा तो 3 समोसा तो लोगों ने 3√2 बोला ही नहीं तो मैं क्या करूँ, मुझे बताना समझ आई नहीं। कॉमन तो निकलेगा ना, आपने होमोजीनियस टर्म से एक साथ नहीं ले रही थी क्या। हाँ हाँ यहाँ भी होमोजीनियस है तो इसी वजह से तो हमने उनकी पूलिंग की। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अगर उस टर्म में नहीं आए तो अगर डिफरेंट हो तो कुछ नहीं करना, छोड़ देना बस। छोड़ दे दोनों अगर डिफरेंट तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हैं अभी अगला क्वेश्चन आने वाला है ऐसे जैसे √3 और √7 है तो क्या करोगी, कुछ करोगी क्या है तो कर लो। जिसमें ये पेज नंबर 20 है सर, ऐसे है कि √4 और √9 तब तो हो ही सकता है क्योंकि वो 2 बन जाएगा वो 3 हो जाएगा अब हो जाएगा। चलो चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। एक्सप्रेस मेरे लिए भी कंपास है, ये लो से ले लो कंपास कंपास स्केल और शार्पनर ले आना वो वाला शार्पनर। सर आपने कब इतना जमा भाई, रेजर इसमें शार्पनर उसमें, मेरे लिए भी रेजर था वो बॉक्स में ना फिट करो। ओके यहाँ तक आ गई बात। अब आप क्या करो, स्केल से 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो जरा। 3.5 सेंटीमीटर और इसे लिखो ए इसे लिखो बी। कितना ड्रॉ किया 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। ए भी डालो उसमें ए भी और 1 सेंटीमीटर और बढ़ाओ इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाओ। 3.5 सेंटीमीटर लिया और 1 सेंटीमीटर और बढ़ाओ, बढ़ा लिया। अब यहाँ पर बी पे सेंटर रखकर कंपास से आर्क बनाओ, ऐसे आर्क बनाओ छोटा सा बना लो 3.5 लिया उसके आगे बन लिया कहाँ लिया नहीं किया समझ लो और फिर बी पर एक आर्क बनाओ
अभी जो परपेंडिकुलर दे सर बी करना है और ले लिया ए बी सी डालो ए बी सी 1 2 3 इधर मत लो इधर ले जी और सीधा ले लिया आप इसको बी हां नहीं तो गलत हो जाएगी बात इस तरफ बी पे कार्ड बनाया अच्छा अब इस पर हाफ से ज्यादा लेते हुए इधर कट करो यहाँ रख के ठीक है अब इधर भी रख कर इधर कट करो इस चीज का हाफ से ज्यादा लेना ये देखो ना परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करती हो हाँ, तो आधे से ज्यादा लेके कट नहीं करती दोनों हाँ, हाँ। अब यहाँ पर कट करने के बाद ये रेस करो यहाँ से रख के ऐसे कट यहाँ से रखे ऐसे कर और फिर रेस कर दो कर दिया अब जरा देखो जो एसी है एसी पे हमें सेमी सर्कल बनाना है तो कैसे बनाए एसी का मिड पॉइंट लेना है तो कैसे लेना पड़ेगा सी से आधे से ज्यादा लेके ऐसे कट करो सी से सी पे रखो और कैसे कट करो ऊपर और सी से रख के किधर कट करो नीचे आधे से ज्यादा ले लेना और फिर यहाँ रखो और वही उसी को रख के क्या करो ऐसे कट और उसी को रख कर ऐसे कट और फिर ऊपर से नीचे मिला दो ये सर समझ नहीं आ रहा यानी मेरा कहने का मतलब है ए पे रखा हाफ से ज्यादा लेके ऊपर कट और नीचे कट आधे से ज्यादा ले लेना और ऊपर कट और नीचे कट भी आ गया और फिर सी पे रखो कहाँ पे रखो और उसी रेडियस से इधर भी कट और इधर कट जहाँ जहाँ कट करे मिला दो बता दो बी से कुछ नहीं मतलब सी से ए से मतलब थोड़ा आधे ज्यादा ले लिया थोड़ा सा ज्यादा ही अब करो ऊपर भी कट नीचे भी कट यहाँ पे रखे ट्राई करो दो ना बने चलो कट करो फिर से वहाँ रखे ना तो और नीचे भी कट करो नीचे वहाँ रख कर फिर से करो तो ये इधर आ जाए दिया इधर एक फोन हो ऊपर नीचे दोनों करूँगा इनको भी लाओ ऊपर से नीचे की लाइन मिल गया यहाँ से ऊपर कट नीचे कट यहाँ से कट किया सब कुछ ऐसा बन रहा है ये आ गया अब ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को डी लो डी और डी ए डी ए को मेजर करो डी पे नीडल रखना डी पे नीडल रख के और ऐसे एक सेमी सर्कल बनाओ डी पे नीडल रखते हुए क्या करो और डी ए लेकर के ऐसे सेमी सर्कल बनाओ डी पे रखो और ये देखो सेमी सर्कल बनाओ बना डी ए तक की लेंथ का ए तक की लेंथ का दिखाओ सर सी के आसपास आ रहा है आसपास नहीं आना चाहिए वो कमी है अगर आसपास आ रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत कमी है और लोगों का जिसका आ रहा है सही है उसका दिमाग तो काफी डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इस तरीके से दो लाइन बनाओगे तो सही नहीं आएगा मैं तो इन दोनों से लिया एकदम सी पे आ गया तो यहाँ से रखते हैं आधे से ज्यादा लेते हैं एक कट यहाँ और एक कट यहाँ यहाँ रखते हैं यहाँ ही तो आप यहाँ ले लीजिए ये देखो इनका सही आया मैं ये सबको दिखा दूँ सुंदर है ये देखो
शिप पर। इतनी बात हो गई। अब जहां ये कट कर रहा है आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, ये देख लो, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, इसको मिला दो, मिला दो इस पॉइंट, ये सेमी सर्कल इस परपेंडिकुलर को कहीं कट कर रहा है, वहीं ई मिलाओ, मिला लिया, मिलाया। अब इसी डी को नीडल रखते हुए इसको लेते हुए यही है रूट 3.5, इसको जरा ट्रांसफर तो करो रियल नंबर लाइन में, इसको रियल नंबर लाइन पे ट्रांसफर कर दो इसको, तो नाउ इट विल गेट ट्रांसफर्ड ऑन हियर, रियल नंबर लाइन कहीं यहाँ पे होगा, और जहां ये ट्रांसफर हो जाए वहां क्या डाल दो 3.5 का, ये जीरो है, चेक कर लो, इसे क्या लिखोगे, इसे जीरो, और फिर सब कुछ लिखो, वन, जहां टू हो तो वहां टू लिखो, जहां थ्री हो वहां थ्री लिखो, जहां फोर हो वहां फोर, इस पे सारे नंबर डाल दो, इसके जीरो मत, हाँ जो भी आए तो सी पे ही रहने दो। हाँ एक बात देखो, ये कट कर दिया ना, रुको, ये चीज मत करो, ये गड़बड़ हो गया, सी पे मत करो, इसको ट्रांसफर करो, यहाँ मीटर रखो और इसको ट्रांसफर, अब देखो बी पे नीडल रख के ट्रांसफर करो, बी पे रखो, साक्षी देख रही हो ना, और फिर ट्रांसफर करो, तो कहाँ पे आ जाएगा, आगे आएगा कि नहीं, ठीक, और जहाँ ये आए उसे क्या करो, 3.5 कितना करो, चलो बैठ के पूछो अब सी और ए को लेते हुए आधा ऊपर और नीचे, जैसे सी पे रखा और ऐसे किया, सी पे रखे, अब फिर ए पे ऐसे और ऐसे किया, ये एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्यों, हाँ बी पे नीडल रखो, बी को अच्छा, जीरो किसको लेना है, जीरो इसे नहीं लेना है, जीरो बी को लेना है, क्योंकि बी से तुमने ट्रांसफर किया ना सब कुछ, तो इसलिए बी को क्या लिखो जीरो, फिर ये क्या होगा, वन कहाँ पे होगा, सी पे, और फिर उसके आगे बढ़ो, फिर वन, फिर कहीं ना कहीं यहाँ टू आएगा, बी इतना नहीं, बी पे जीरो दिखाओ कैसे किया, कैसे वो आर्क लगे उसके बाद, हम्म, इसके बाद क्या करना है,
इसके बाद ये इसको लेकर सेमी सर्कल बनाओ, इसको लेकर सेमी सर्कल बनाओ। अब आप रूट 9.1 करो। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ 9.3 रेस करो। सामने आप बैठ के काम करो। ये देखो, इधर देखो ड्रू। ऐसे बी पे। तो यहाँ से ऐसे कट करोगे? यहाँ से ऐसे। तो फिर परपेंडिकुलर रेस हो गया। अब ए और सी पर हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके एक ऊपर कट और एक नीचे कट। अस्सी। अब ए से भी करो, ए से करो, वही रेडियस लेना, रेडियस नहीं बदल देना। रेडियस बदल दोगे तो फिर बदल जाएगा फिगर। आपने क्या कहा है, 1 यूनिट? कहाँ पे बताओ? बी और सी 1 सेंटीमीटर है। हाँ 1 सेंटीमीटर है, हमेशा 1 सेंटीमीटर इस तरह ना जस्टिफिकेशन है मिलता है। फिर डी को सेंटर लेते हुए क्या सेमी सर्कल बना दो, बोलो। डी को सेंटर लेते हुए और फिर बी से ये जो लेंथ आई है क्या यही रूट 9.3 है, बोलो। अब बी से इसे ट्रांसफर कर दो, ये देखो बी पे रखते हुए इसे ट्रांसफर कर दो। ये क्या हो गया रूट। लेकिन एक बात याद रखना, 0, 1, 2 डालना ना भूलना। 0 कहाँ माना जाएगा, क्योंकि यहीं से तो ट्रांसफर कर रहे हो। तो 0 ये क्या हुआ 1। 3 साल पहले गौर सर ने इस पे 1 नंबर काटा था एक बच्चे का। सर आपको कैसे पता है? हमारे यहाँ तो पढ़ते हैं, हमें सबसे ज्यादा दुख हुआ कि 39 मार्क्स है। तो फिर हमने तब से ये ध्यान रख लिया कि हर एक को ये सिखाना ही है कि 0, 1, 2 जरूर डालें। हाँ, तभी आपने मेरे भी काटे थे नंबर, 0, 1, 2 नहीं डाला। अब इसलिए 0, 1, 2 ये डालो। ऐसा आ जाएगा तो पता नहीं कैसा है।
ये देखो रूट 9.3 सही बना है, और यहाँ पर 9.3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे देखो अर्पिता,